हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस सूरापुर। आइए आज आप लोगों के लिए हाई स्कूल या इंटर के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। नया टाइम टेबल जारी हो गया है। अब देखिए, अपना अपना टाइम टेबल आप लोग देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आप लिए हो आपके सामने है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि सब लोग जानकारी हो सके। अब देखिए, 8 मई से आपका नया टाइम टेबल, जो पहले 24 अप्रैल शुरू होने वाला है, तो 8 मई शुरू होगी शनिवार को प्रातः 8 बजे। हाई स्कूल में क्या रहेगा, प्रारंभिक हिंदी रहेगी या हिंदी, तो 8 से 11 तक। इंटरमीडिएट में ठीक है, और शाम के समय जो है, देखिए सुबह के समय हाई स्कूल का हिंदी रहेगा या प्रारंभिक हिंदी, और उसके बाद जो है तो शाम को 2 से 5:15 बजे तक सामान्य हिंदी या हिंदी, ये रहेगी। इंटरमीडिएट का पेपर शाम को होगा, हाई स्कूल वालों का सुबह। देखिए 10 मई को जो है पाली, अरबी या फारसी जो लिए हैं हाई स्कूल में उनका रहेगा, या और शाम के समय में हाई स्कूल में 2 से 5 बजे तक संगीत गायन रहेगा। वहीं इंटरमीडिएट में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य कला, सामान्य आधिकारिक विषय, व्यावसायिक वर्ग के लिए यहाँ देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट। उसके बाद 11 मई को जो है 8:15 से 11:15 हाई स्कूल के लिए जो है, ठीक है। देखिए हाई स्कूल ये समय केवल दिया गया है, समय 8 से 8:15 तक। हाई स्कूल के लिए जो है गृह विज्ञान रहेगा, ठीक है, केवल बालिकाओं के लिए देखिए दिया गया, बाल गृह विज्ञान बालकों के लिए तथा उन बालिकाओं के लिए जिन्होंने इसे अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लिया, तो ये रहेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या, देखिए इधर वाला इंटरमीडिएट का है, ये इधर वाला, इसमें पंजाबी, गुजराती से लेकर जो भी भाषाएँ जो लिए हैं तो वो उनका होगा। शाम को 2 से 5:15 बजे तक इंटर में रहेगा बही खाता, लेखा शास्त्र, वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए, और भूगोल रहेगा ये आर्ट साइड में। 12 मई को क्या रहेगा, चित्रकला, रंजन कला, ये हाई स्कूल के लिए रहेगा चित्रकला या रंजन कला। कंप्यूटर भी रहेगा जो हाई स्कूल में लिए हैं, लेकिन कंप्यूटर का पेपर शाम को रहेगा। इंटर के लिए व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार, वाणिज्य वर्ग के लिए गृह विज्ञान भी रहेगा इंटर में। बृहस्पतिवार को 13 मई 2011 हाई स्कूल में शिलान्यास संस्कृत रहेगा। सुबह टाइम, शाम टाइम संगीत वादन, इंटर में चित्रकला रहेगा सुबह के टाइम, या ठीक है प्रावैधिक से जो चित्रकला, रंजन कला इन, और शाम के समय में अर्थशास्त्र या वाणिज्य, भूगोल, वाणिज्य वर्ग के लिए, कॉमर्स के लिए रहेगा। 17 मई को देखिए जो है अंग्रेजी रहेगा, ठीक है, तो ये इंग्लिश जो है हाई स्कूल के लिए, देखिए हाई स्कूल की कटिंग, हाई स्कूल वालों की इंग्लिश जो है 17 मई 2021 को होगा सुबह 8 से 8:15 बजे तक, और इंटर वालों के लिए ठीक है 17 मई को क्या क्या रहेगा आप यहाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तमाम सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। फिर वहीं शाम को जो है ठीक है 17 मई को ही शाम को इंटर में देखिए इधर कंप्यूटर भी रहेगा, वनस्पति विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, अर्थशास्त्र, ये सब रहेगा, कृषि अर्थशास्त्र रहेगा। उसके बाद जो है 18 मई को देखिए वाणिज्य है हाई स्कूल में, सिलाई भी है जो लिए हैं शाम का, उनका पेपर रहेगा। और 18 मई को शाम के टाइम जो है 2 से 5:15 बजे तक इंटर वालों का अंग्रेजी रहेगा। उसके बाद देखिए 19 मई बुधवार को जो है सामाजिक विज्ञान रहेगा हाई स्कूल में 8 से 8:15 बजे तक, 11 बजे तक। इंटर में क्या ठीक है क्या रहेगा आप देख इसको पढ़ सकते हैं, तमाम सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। और शाम के टाइम में इंटर में जो है ये रहेगा अधिकोषण तत्व, तो वाणिज्य वर्ग के लिए से कृषि, जंतु विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर और वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए। अब 20 मई को क्या रहेगा, 8 बजे से 11:15 बजे तक हाई स्कूल में रहेगा कृषि रहेगा, और शाम के टाइम, सुबह के टाइम कृषि रहेगा, शाम टाइम मानव विज्ञान से, ये तमाम सारे सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो रहेंगे। और इंटर में वहीं शाम को जो है रसायन विज्ञान और आर्ट वालों के लिए इतिहास रहेगा। उसके बाद 21 मई को देखिए 8 से 11:15 बजे तक हाई स्कूल में कुछ नए पेपर रहेगा ना, शाम को ही रहेगा, केवल इंटर वाले में रहेगा ठीक है, मानव विज्ञान से लेके कृषि, पाल पशुपालन, ये सब रहेंगे। और देखिए 22 मई को हाई स्कूल में विज्ञान रहेगा सुबह टाइम, और शाम टाइम कुछ नहीं रहेगा, और इंटर में मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, ये सब रहेंगे। उसके बाद देखिए 24 मई सोमवार 2021 को 8 से 11:15 बजे तक गुजराती, बंगाली, ये सब हाई स्कूल में जो भी लिए हैं रहेगा। इंटर में आप सब्जेक्ट देख सकते हैं क्या रहेगा, सिलाई सेल्फ से लेके कास्ट सेल्फ तक। तो उसके बाद देखिए और भी सब्जेक्ट हैं शाम के टाइम में इंटर के लिए, और 2 से 5:15 बजे तक इंटर के लिए समाजशास्त्र रहेगा आर्ट साइड के सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स के लिए। 25 मई को देखिए गणित रहेगा हाई स्कूल वालों का 8 से 11:15, शाम को कुछ नहीं रहेगा। तो ये इस तरह से हाई स्कूल वालों का जो है पेपर समाप्त हो जाएगा 25 मई को। फिर इंटर वालों का देखिए 27 मई को भी रहेगा, तमाम सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं अपना, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पास करके रोक के। शाम को इंटर में जो है
27 मई को ही संस्कृत रहेगा आर्ट वालों के लिए, और कृषि गणित रहेगा, और रसायन कृषि रसायन विज्ञान भी रहेगा सब एग्रीकल्चर के लिए, तो अब आर्ट वालों के लिए संस्कृत। 28 मई को क्या 8:15 से 8:15 बजे तक फल खाद्य संरक्षण ये सब तमाम सारे सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के लिए रहेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए शाम को जो है 28 मई को ही इंटर लास्ट परीक्षा है इंटरमीडिएट की, लास्ट पेपर रहेगा, 2 से 5:15 बजे तक नागरिक शास्त्र रहेगा। उसके बाद जो है देखिए आगे देखिए प्रश्न पत्रों के क्रम विषय में परीक्षार्थियों को कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता, और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दिव्यांग दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को परीक्षा है तो निर्धारित अवधि के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। और दिव्यांग कला सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, ये देखिए इस तरह से पूरा जारी हो गया है आपका टाइम टेबल। अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे RM इंग्लिश क्लासेस सूरपुर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, वीडियो यूजफुल जानकारी मिली होगी। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट के यहाँ पूरा हाई स्कूल और इंटर के हमारे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट क्लास 10th या 12th के नाम से है पूरा, आप उसमें देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ में जाके आप पूरा इसका जो है अनसाल पेपर भी मैं हल कराया हूँ उसको देख सकते हैं, और किस पेपर मैं डालूँगा जिसमें से बोर्ड परीक्षा में जरूर जो है पक्का फंसेंगे काफ़ी क्वेश्चन। तो इस ये सभी वीडियो यूजफुल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यही नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो अगले साल BM जाएंगे तो BA के भी हम वीडियोस पूरा BA फर्स्ट ईयर की अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई कंपटीशनल एग्जाम हो उसके लिए भी आप इस चैनल पे आगे आपको मिल जाएगी सारी कंपटीशनल ग्रामर से लेके तैयारियाँ पूरी कराई जाएंगी, इसलिए चैनल से जुड़ें और बिल्कुल कमेंट करके बताएं आपको किस चीज़ की तैयारी करना है, कैसी वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।